विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर छत्तीसगढ़ भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र बनाने को घोषणा पत्र समिति गठित कर दी है। शनिवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने समिति की गठित की है। दुर्ग के लोकसभा सदस्य विजय बघेल को समिति का संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा सह संयोजक के रूप में पूर्व राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और विधायक शिवरतन शर्मा को नियुक्त किया गया है। सांसद विजय बघेल को घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाए जाने पर उनके भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सांसद निवास पहुंचकर उन्हें बधाई दी। घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाए जाने पर सांसद विजय बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। वाकई में मेरा सौभाग्य है और मुझे इतना बड़ा दायित्व, इसके लायक शायद मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष साहू जी, हमारे चुनाव प्रभारी सम्माननीय ओम माथुर जी बहुत अनुभवी हैं, उनकी परख निश्चित रूप से हम सब ने देखा है। सह प्रभारी माननीय मनसुख मांडविया जी, उनके कार्य करने के तरीके अलग हैं और हमारे सभी शीर्ष नेतागण जो पूरे विश्वास के साथ मुझे ये दायित्व दिया है, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे सभी जो समिति के माननीय सदस्य हैं, सह संयोजक हैं, रामविचार जी अनुभवी हैं, हमारे अमर अग्रवाल जी अनुभवी हैं, शिवरतन शर्मा जी अनुभवी हैं, युवा वर्ग को भी इसमें जोड़ा गया है, हर समाज के हर जाति के लोगों को सदस्य बनाया गया है, ये निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य हुआ है। और घोषणा पत्र चुनाव की रीढ़ की हड्डी होती है, लोगों को इंतजार रहता है कौन घोषणा पत्र क्या क्या दे रहे हैं, अपने घोषणा पत्र में क्या हमारे लिए सौगात दे रहे हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं कि हर वर्ग के सलाह लेके, हर वर्ग के साथ मिलके और उनके जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए, जिस तरह हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन संकल्पों को हम सब इस संकल्प पत्र के रूप में पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे, ताकि सरकार जब जनता तो बनाएगी ही, जनता का विश्वास हमें मिल ही रहा है और पुख्ता हो जाएगा और उस विश्वास पर हम खड़े उतरेंगे। उसको हंसी आती है और गुस्सा भी लगता है, मन कुंठित हो जाता है, मतलब इतनी कैसे ये लोग कर लेते हैं, लोगों को धोखा देना, फरेब करना, झूठ बोलना, इनके डीएनए में है कांग्रेसियों के। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, आज मोदी जी हर वर्ग के लिए कर रहे हैं, जो विश्वास उन्होंने जीता है उस विश्वास का प्रतिफल लोगों को दे रहे हैं, इस देश को दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ देखो कांग्रेस की सरकार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, 36 घोषणा पत्र में जो वादे किए थे एक भी धरातल में नहीं है, जो है वो भी आधे अधूरे हैं और लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ है हमारी घोषणा पत्र में की हुए कार्य। जगह जगह हड़तालें हो रही हैं, हर महीने हड़ताल हो रही है, अभी कल पूरा काम बंद हड़ताल था पूरे प्रदेश में, हर वर्ग के लोग हड़ताल में संलिप्त थे। क्यों? ये इस सरकार को बेनकाब हो गया है, इनके जो चेहरे है उसमें कालिक पुज चुकी है, मैं तो ये कहूँगा। और ये लोग घमंड में चूर, अपने आप में मस्त, लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। लेकिन हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में अक्षरशः पालन करने की बातें रहेंगी और जनता हम पर विश्वास करेगी, उस विश्वास को हम बनाए रखेंगे।